सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोटरोला वन फ्यूजन प्लस की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। सबसे पहले आपको जो है ये बॉक्स जो कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है पीछे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन जो है मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बॉक्स को जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट में जो है फ़ोन दिखेगा। तो अभी यहाँ पर इस फ़ोन को जो है निकाल कर हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। फ़ोन के बारे में हम बाद में बात करेंगे और चेक करते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पर इस कवर को भी जो है साइड में रख लेते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल्स जो है देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये है USB टाइप सी केबल। और दोस्तों, केबल की क्वालिटी भी जो है अच्छी है और इस केबल की लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है। अडैप्टर की अगर बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं टर्बो पावर लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है फ़ोन की स्क्रीन पर से जो है इस प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद इस फ़ोन को जो है हम बूट करने वाले हैं। बूट करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा मैं आपको। दोस्तों, अगर इसके डिज़ाइंस और लुक्स के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी मस्त है और मोटरोला की बिल्ड क्वालिटी तो बेस्ट है और साथ में आपको जो है स्टॉक एंड्रॉयड जो है देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके डिस्प्ले में जो है आपको कहीं पर भी नॉच देखने को नहीं मिलता है। बेजललेस डिस्प्ले है और इसमें जो है आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है और इसके टच रिस्पॉन्स की अगर बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया है इसमें। तो दोस्तों, अब इस फ़ोन के जो है बैक साइड आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। पीछे जो है बैक कवर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस बैक कवर को जो है सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों, फ़ोन के राइट साइड में आपको जो है गूगल असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिलता है और उसके नीचे आपको जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है और उसके नीचे आप यहां पर देख सकते हैं पावर बटन भी है। फ़ोन के नीचे की तरफ आपको जो है सिंगल लाउड स्पीकर मिलता है, USB टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर एक माइक्रोफोन है और 3.5mm जैक। और फ़ोन के लेफ़्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है। और फ़ोन के टॉप साइड की अगर बात करेंगे तो आपको जो है नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है और यहाँ पर पॉप अप कैमरा है और सिम कार्ड ट्रे है। और यह हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप दो नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आता है जो कि HDR10 को सपोर्ट करता है। अगर रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 2340x1080 पिक्सल का जो है रेजोल्यूशन मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पीछे के कैमरे के बारे में। तो आपको जो है मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, 1.8 अपर्चर और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.2 और यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का माइक्रोविजन कैमरा है, 2.4 अपर्चर है इसका और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का आपको जो है डेप्थ सेंसर मिलता है, अपर्चर है 2.4 और सिंगल LED फ्लैश मिलती है और बैक साइड आपको जो है एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करेंगे तो आपको जो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.2 और दोस्तों, अगर प्रोसेसर की बात करेंगे तो आपको जो है ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिलता है 2.2 GHz और स्नैपड्रैगन 730G के साथ। तो दोस्तों, आपको जो है इस फ़ोन में 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज मिलती है और यहाँ पर एक्सपेंडेबल स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो आप जो है 1TB तक की स्टोरेज जो है इसमें बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इस फ़ोन का जो वेट है वो है 210 ग्राम इसका जो वेट है। और इस फ़ोन के ग्राफिक की बात करते हैं तो GPU की एंड्रोनो 618 है इसमें। और दोस्तों, बैटरी की अगर बात करेंगे तो आपको जो है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, 18W का फास्ट चार्जर है। और फीचर की अगर बात करेंगे तो आपको जो है UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलता है और यहाँ पर साथ में वाइड वन L1 का भी सपोर्ट आपको मिलता है और आपको जो है GCam का सपोर्ट भी मिलता है इसमें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।